जनाब, अभी जो सारी सिचुएशन है उसमें इसहाक डार साहब अब ये बात कर रहे हैं कि शाह साहब वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई रजिस्टर्ड नहीं है। अब हालांकि इस पर बहुत बड़ी इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा हुआ है कि भाई पीटीआई जमात रजिस्टर्ड है और पीटीआई बैक्ड बाय वो ये जो इंडिपेंडेंट है ये वो बैक्ड बाय पीटीआई है, तो उनसे भी जो बात हो रही है फिर वो इस बात को ओन तो करें ना। वैसे आपके तीन दिन के अंदर शायद चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी और वो मेरे ख्याल में बार बार हम डिस्कस भी करते हैं कि सेनेट के सूरत में शायद कंपल्शन है आपकी नेशनल असेंबली के अंदर अगर वो बैठना चाहे एज इंडिपेंडेंट। लेकिन मुझे जो केमिस्ट्री उस वक्त में दिल में ख्याल आया, मैं सवाल पूछूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई, अब देखना ये है कि देखिए तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर उनकी जो है वो एट ऑड किसके साथ है, वो पीएमएलएन के साथ है या पीपल्स पार्टी के साथ, तो चॉइसेस क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट है वो अलग बैठेंगे या जो पीपल्स पार्टी के साथ जाने की कोशिश करें? पीएमएलएन के साथ तो कम से कम वो नहीं जा रहे, पीपल्स पार्टी भी अब तक कह रही है हम नहीं जा रहे। इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट की और इंडिपेंडेंट कहाँ जाएंगे या हम उनको पीटीआई की तरफ गिनेंगे, तो क्या ये मुमकिन है? मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन का इसमें एक बयान भी आया था कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ये फ़िलहाल ये मफरूजा ले लें कि ये रिज़र्व सीट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो हम ये देखते हैं कि पीएमएलएन को बड़ी क्लियर कट मेजॉरिटी मिल सकती है और पीपल्स पार्टी की भी सीटें जो हैं वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो यहाँ ये सिचुएशन जो है वो एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि ट्रिकी सिचुएशन है कि किस तरह गवर्नमेंट फॉर्म होगी, आया इंडिपेंडेंट जो है वो किसी पार्टी की तरफ जाएंगे या आज़ाद हैसियत में अपनी एक जमात फॉर्म करके बैठेंगे, या फिर जो इंडिपेंडेंट ख्वातीन की और अकलियती नशिस्तें हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं, जो कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इसमें एक बात और भी है कि क्या ये आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर रिजर्व सीट्स का इलेक्शन होगा या उनके बगैर होगा, ये भी जवाब तलब जो है मैं समझता हूँ। इसहाक डार साहब की जो रिक्वायरमेंट जो वो कह रहे थे या उनका जो आइडिया था, मेरे जहन में एक थ्योरी है। देखिए जमात इस्लामी बार बार हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, अब केपी के अंदर शायद एक चॉइस ऐसी है तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के लिए कि वो जमात इस्लामी के साथ जाएँ, उनकी तीन सीटें वहाँ हैं, तीन उनकी हों और तकरीबन मेरे ख्याल से जो हमारे पास कैलकुलेशन है आलमोस्ट वहाँ पर वो तकरीबन 90% सीटें जीत चुके हैं, तो हो सकता है लेन देन हो सकती है। और यही काम अगर खान साहब नहीं बैठते या उनकी पार्टी नहीं बैठती पीपल्स पार्टी के साथ भी और पीएमएलएन के साथ, तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी की एक दो सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपकी नेशनल असेंबली के अंदर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लेकिन अगर ये लोग अपने रिजिड स्टांस से नहीं हटते और दोनों पार्टी के साथ नहीं बैठते, शायद वो डेमोक्रेसी के लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक ये शायद इनके पास चॉइस होगी। और दूसरा, पीपल्स पार्टी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शायद तहरीक इंसाफ और पीटीआई मिल के कोशिश कर सकते हैं सेंटर के अंदर। 2018 के इलेक्शन में केपीके में जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, तो वो सिचुएशन आज भी आ सकती है। और दो चीजें अहमद साहब, वो दोनों सियासी जमातें थी। अभी जो इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है ना, देखें 2017 का इलेक्शन एक्ट देख लें, पोलिटिकल पार्टीज में जो था एक्ट का, उसमें बड़ा वाजे तौर पर बताया गया कि जी कौन सी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, कौन सी पार्टी इत्तेहाद कर सकती है। अभी यहाँ पे ये मसला है कि ये इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहे कितनी बड़ी तादाद में आ जाएं, ये इनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते, ये हुकूमत नहीं बना सकते, ऐसा नहीं हो सकता। जमात इस्लामी में शाम साहब जम हो जाते हैं, ये मुझे बताएं जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग हैं वो जमात इस्लामी में जाएंगे? आप अगर देखें वर्स्ट कम वर्स्ट, सर उन्होंने प्लान वैसे तैयार तो किए हुए पीटीआई ने, जिनको चेयरमैन नामजद किया था जो गए थे इलेक्शन में, आप उनसे जाकर पूछना कि वो जमात इस्लामी में जाएंगे नहीं जाएंगे। एक चीज बहुत से और देखिए डिसीजन देखिए, ये तो हमारी थ्योरी है ना, हम तो नहीं कह रहे कि जाए या ना जाए। अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ रहे, आप पीएमएलएन के साथ नहीं बैठ रहे, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप सेंटर में एक स्ट्रांग अपोजिशन बना सकते हैं अगर आप जमात इस्लामी में शामिल होते हैं, और आप फिर ट्राई कर सकते हैं अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करके, उसके बाद आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।